आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, अपनी मांग को लेके आए, तो आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? हम इस देश की बेरोजगारी के बारे में बहुत चिंतित हैं। मोदी जी ने जरूर कहा था, लेकिन वास्तव बताता है, हकीकत यह है कि 2 लाख लोगों को भी नौकरियां दे नहीं पाए। आज नौकरियां देने की बात करेंगे तो सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, डिफेंस, इसमें 30% पदों को रिक्त रखा गया है। यदि आप नौकरियां देना चाहते हो तो ये 30% लोगों को आप नौकरी देंगे तो भी 40 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। इलेक्शन के जुमले अलग होते हैं और वास्तव में राज चलाना अलग बात हो गई है। ये सारे बारे में हो गया है। कह रहे थे कि हम किमान वेतन देंगे। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, मैं ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन से ताल्लुक रखता हूँ, जिसके महाराष्ट्र का मैं प्रतिनिधि हूँ, उसमें 10,500 लोगों को केवल 1,200 रुपये तनख्वाह मिलती है। 10,500 रुपये, 10,500 लोगों को 1,200 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि भाई इन्हें कम से कम 18,000 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक वाइडर प्रिंसिपल होता है, वो तो गवर्नमेंट को डिक्टेट करते हैं, अमल का सवाल सरकार के साथ होता है। फिर वो अलग अलग उसमें डिस्क्रिमिनेशन करके वो नहीं अमल में लाते हैं। कहीं कह देते हैं कि ये कंत्राटी है, कहीं कह देते हैं कि ये रेगुलर सर्विसेज नहीं है, कोई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जुमला मान्य नहीं है। इस ढंग से सरकार की नीति चल रही है। इसका सारा निचोड़ ये है कि ये सरकार की नीतियां मजदूर, किसान, कर्मचारी इनके खिलाफ है। ये बात अभी स्पष्ट हो चुकी है। इसके लिए किसी स्कूल कॉलेज में जाके अभी संशोधन करने की और तपास करने की गरज नहीं रही है। सर आपका नाम? अशोक थूल।